Woo! <laughs> जैसा कि आपको पता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो ने फाइनली बॉट को लॉन्च कर दिया है अभी वो 29 प्लस कंट्रीज के लिए अवेलेबल है उसमें से एक हमारी कंट्री भी है और हम इसको टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में और एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना के देखने वाले हैं उस उसपे इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड देने वाला हूँ कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने लिए जो एंड्रॉइड स्टूडियो बॉट है उसको अवेलेबल करा सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं ए टू जेड

एंड्रॉय स्टूडियो के ऑफिशियल साइट पे गूगल पे जाके लिखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो बॉट तो आपको ये साइट मिलेगी ओके okay? यहाँ पे आपको क्या करना है साइन अप फॉर स्टूडियो बॉट कर लेना है ठीक है और यहाँ पे करते ही आपको क्या करना है कि जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उससे आपको क्या करना है लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद से ये एक दो दिन के टाइम लेंगे अभी ऑफिशियली ये जो बॉट है ये अवेलेबल नहीं हुआ है सबके लिए ठीक है तो आपको फिर डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि 170 कंट्री के लिए अभी अवेलेबल हो गया तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद से आपको क्योंकि ये अभी टेस्टिंग में है तो आपको डायरेक्ट ई फाइल नहीं मिलेगा आपको एक जीप फाइल मिलेगा वो जीप फाइल को आपको किधर रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो वो जिप फाइल को रखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ प्रोग्राम फाइल में आना है यहाँ एंड्रॉयड नाम के फोल्डर में आना है और जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके अंदर ये एंड्रॉयड स्टूडियो के फोल्डर में सब कुछ होगा तो उसको कट करके आपको इधर डाल देना है उसके बाद से आपको चले जाना है इधर बिन के अंदर बिन के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टूडियो 64 का आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको क्या करना है कि इसको डबल क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से जो भी कन्फिग्रेशन के लिए वो बोलेगा वो आपको सेटअप कर लेना है और एक दो जी इंटरनेट आपको चाहिए होगा ये थोड़ा सा एस के डाउनलोड मारेगा अपने अकॉर्डिंग उसके बाद से आपका फाइनली ये वाला स्क्रीन जो है ओपन होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आपको स्टूडियो बॉर्ड करके मिल रहा है यहाँ पे भी आपको लॉगिन करने के लिए ये बोलेगा मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ तो लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपको लॉगिन पे क्लिक करना है जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस उस पे ये रिडायरेक्ट करेगा वहाँ से आपको जो भी आपका जीमेल आईडी से आपने रजिस्टर मारी थी उससे आपको क्या करना है इसको लॉगिन कर लेना है ओके okay, तो हम एक बेसिक सा ये लॉग इन साइन अप का फॉर्म यहाँ पे बना के और टेस्ट करने वाले हैं इस बोर्ड का इसके अंदर हम वैलिडेशन भी लगाएंगे ये यू भी खुद से ही बनवाएंगे इससे ओके okay? आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने कुछ वैलिडेशन लगा रखे तो अगर मान लीजिए कि मैं अगर इस वैलिडेशन के हिसाब से अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्ट एट द रेट ठीक है अगर लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस वो इसीलिए क्योंकि मैंने कुछ यूजर नेम्स डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे तो उसके बाद से मैं क्या करता हूँ कि इसको अटाक के और मान लीजिए कि डोए लिखता हूँ यहाँ पे उसके बाद से लॉग इन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पासवर्ड था वो मैंने डाल रखा था और उसके बाद से ये क्या हुआ कि वो यूज़र आई को ले कर यहाँ पर यह लॉग इन हो गया है। ठीक है तो ये बेसिक सा काम करने वाले हम इतने से पता पड़ जाएगा आपको और आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल चीज़ ये लगेगी कि आप देखोगे कितने कितना जल्दी हमने ये सब कर लिया ठीक है मुश्किल से एक दो मिनट भी नहीं लगेगा वो तो ट्यूटोरियल है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में नहीं तो अगर आप खुद से करोगे तो ये बहुत जल्दी काम हो जाएगा ओके तो ये काम करके हम देखने वाले हैं इस पर तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अभी तक हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अगर हेल्पफुल लगता है वीडियो तो यस हेल्पफुल करके कमेंट में जरूर लिखो तो इसी वीडियो के लिए मैंने कुछ सेटअप करके रखे हैं पहले से वो मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद से हम आगे प्रोसीड करेंगे दो पेजेस होंगे हमारे पास एक होम पेज होगा एक लॉग पेज होगा डिफ़ॉल्ट पेज जो हमारा होगा वो लॉगिन पेज होगा जब भी यूज़र पहली बार आएगा तो वो इस लॉगिन पेज पर आएगा और जब इस लॉग इन क्लिक करेगा या फिर जो हम लॉगिन बटन बनाने वाले हैं जब उस पर क्लिक करेगा तो ये होम पेज पे स्विच हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं उसके अंदर जो भी ईमेल एड्रेस है कुछ भी है वो पास करेगा वहाँ पे पास हो जाएगा एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके इसके लिए मैंने राउट्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं आप देख सकते हैं एक सील्ड क्लास मैंने बनाया है इसमें मैंने पैरामीटर्स में एक राउट लिया है इस राउट के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं जिसके अंदर एक लॉग है और एक होम पेज है और इसको मैंने इस सील्ड क्लास से अटैच कर दिया है यहाँ पर और जो कोई भी इस आ, इस राउट को पास करेगा लॉग इन राउट को पास करेगा वो डायरेक्ट हमारा लॉगिन पेज पे चला जाएगा और अगर होम राउट को पास करता है तो होम पेज पे वो चला जाएगा उसके बाद से मैंने यहाँ पे नेविगेशन डिफाइन कर रखे हैं ठीक है इसके बारे में अगर बेसिक नहीं है आपको आइडिया तो आप नेट पे जाके पढ़ सकते हो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा फिर भी मैंने यहाँ पे नेव कंट्रोलर डिफाइन कर रखा है और जेड पे कंपोज में हमें नेव होस्ट का ये फंक्शन मिलता है जिसके अंदर हमें नेव कंट्रोलर पास करना होता है उसके बाद से स्टार्ट डेस्टिनेशन देना होता है जो हमारा जब ऐप लॉन्च होगा ना तो पहला पेज कौन सा पड़ेगा वो हमको यहाँ पे बताना होता है उसके बाद से यहाँ पे कंपोजेबल करके दो आ, मैंने चीज़ें डिफाइन करी हैं एक होम कंपोजेबल के लिए और एक लॉगिन के लिए तो उसके बाद से हमको मैंने यहाँ पे एक लिंक डिफाइन कर रखा है जैसे कि हमारा जो होम कंपोजेबल होगा उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ले रखा है ईमेल का ठीक है तो जब कभी भी कोई भी अगर लॉग इन पेज से इस इसपे आता है तो उसको क्या पास करना पड़ेगा ई पास करना पड़ेगा जो कि ई एड्रेस यहाँ पे आपका शो हो रहा है ओके तो ये बेसिक सेटअप है ये मैंने करके रखा है इसके बाद से हम एंड्रॉइड स्टूडियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे इस पे यू भी जनरेट करेंगे उसके थ्रू हम काम करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे अगर आपने अभी तक लॉग नहीं किया है तो आप लॉग कर लीजिए उसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पर लॉग इन टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर क्लिक करने के बाद से मैं अपने ई एड्रेस से यहाँ पर लॉग हो जाता हूँ और यहाँ पे ये यह अलाउ करने के लिए बोलेगा आपको इसको अलाउ कर देना है जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो सक्सेसफुली आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं और जैसे ही यहाँ पे ये वेरीफाई कर लेगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली मैं लॉग इन हो गया ओके अब यहाँ पर मैंने पहले से कुछ टेस्टिंग करके रखा है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे शुरू से सारी चीज़ें करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे तो अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए सबसे पहले मुझे चाहिए लॉग के लिए यू ठीक है यू आई में मुझे और क्या क्या चाहिए ई एड्रेस पासवर्ड चाहिए होगा और उसके लिए उसके भी यहाँ पे वैलिडेशन चाहिए होंगे कि अगर ई एड्रेस है तो ई का वैलिडेट वैलिडेशन हो और पासवर्ड हो तो पासवर्ड का दोनों करेक्ट हो तो फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करें तो वो ईमेल एड्रेस हमारा उस पर स्विच हो जाना चाहिए और जो हमारा होम पेज है इस पर हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे स्विच होके आ जाएगा मतलब हम पैरामीटर में पास करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस दिखना चाहिए इतना सा हमको करना है ये बेसिक सा टास्क है हम इसे कराएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने लॉग इन पेज पर पे चले जाते हैं यहाँ पर और उसके बाद से ये वाला कोड जो है मैं कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद से अब मैं क्या करूँगा कि इसको खोलूँगा बॉट को और इसमें मैं बोलता हूँ कि लॉग इन के लिए यू आई क्रिएट करो तो बेसिक प्रॉम्प्ट हम इसको देंगे इसको देंगे क्रिएट लॉग इन कंपोज फंक्शन विथ ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड बटन विथ ऑन क्लिक लिसनर ओके okay. इतना सा करते हैं हम और सबमिट पे क्लिक करते हैं देखते क्या जनरेट हम करके हमको देता है ये तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसीड करेगा ये प्रोसेस करने के बाद से अभी हमको दे देगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये इसने दे दिया है तो यहाँ पे दो इसने रिमेम्बर करके वेरिएबल्स बनाए हैं जिसके अंदर ये जो भी एडिट के अंदर हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें जाएंगे ओके और ये पासवर्ड के लिए है उसके स्टेट जो भी टेक्स्ट हम उसके अंदर एंटर करते हैं वो इसके अंदर ये रखता है अब उसके बाद से इसने एक कॉलम लिया है कॉलम में इसने वर्टिकल अरेंजमेंट अरेंजमेंट और मॉडिफायर और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले रखा है और दो इसने आउटलाइन बटन आउटलाइन एडिटेक्सट ले रखे हैं आ, जो कि अच्छा है और उसके बाद से यहाँ पर एक ऑन क्लिक के साथ इसने बटन ले रखा है तो चलिए आप इसको क्या करते हैं कॉपी करते हैं और कॉपी करके फिर इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है ओके तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है कॉपी करने के लिए चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको ला के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी लॉग इन का फंक्शन बना हुआ है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये वाले फंक्शन के अंदर से पूरा कोड उठा के और अपने वाले फंक्शन के अंदर मैं डाल दूँगा और बाकी जो नीचे का है वो इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को और दोबारा से हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा ये सारा कुछ तो ये फटाफट हम कर लेते हैं अब यहाँ पे सारा कुछ हमने इम्पोर्ट कर लिया है अब यहाँ पे ज़रा यू आई पार्ट देखते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसा हमारा यू आई जो है यहाँ पे आएगा ओके तो इसने देखिए ये वाला यू आई बना के दिया है यहाँ पे अब यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है ई मेल एड्रेस है और पासवर्ड है तो यहाँ तक इसने अभी सर सा, बहुत सही से जनरेट करके दिया है ठीक है यहाँ पे लॉग इन पर क्लिक कर सकते हूँ यहाँ पर ई मेल एड्रेस पासवर्ड और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी ठीक है अब उसके बाद से हम क्या करते हैं कि क्लिक पे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्लिक ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है अब इसके क्लिक पे मैं जो ऊपर कोड कमेंट किया था हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे थे मैं वो क्या करूँगा उसको कट करके वहाँ से उसके क्लिक पे ले जा मुझे डाल देना है इसको ठीक है और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट मैंने पास कर रखा है बाकी मैं जो मेरा एडि टेक्स्ट है इसका मैं टेक्स्ट उठा लूँगा वहाँ से मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा ली और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी कुछ मैं एडिट टेक्स्ट में लिखा रहूँगा उसको उठा के मैं वहाँ पे पास कर दूंगा तो एक बार दोबारा से रन करके देख लेते हैं कि यहाँ तक हमारा काम जो है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं इसके बाद से हम इसके अंदर वैलिडेशन सेट करेंगे और वैलिडेशन के बाद से हम वहाँ पर जाएंगे तो अभी तक देख सकते हैं बहुत प्रॉपर काम कर रहा है ये एक बार और मैं टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर तो टेस्ट वन थ्री तो ये देख सकते हैं आपके बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं ओके okay, अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड टास्क देते हैं फिर देखते हैं कि क्या करता है ये तो यहाँ पे आते हैं और इसको बोलते हैं कि जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है इस पर वैलिडेशन सेट करो अब मैंने इसको जो यहाँ पे टास्क दिया है वो बोला है मैंने इसे कि एक फंक्शन बनाओ जो ईमेल को वैलिडेट करे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसने एक फंक्शन बना के दे दिया है हमको और इसको सिंपल से मुझे क्या करना है कॉपी करना है यहाँ पे और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे वैलिडेशन नाम का एक पैकेज क्रिएट कर दूंगा और एक फाइल भी बना दूंगा मैं वैलिडेशन नाम का इसके अंदर मैं ये फंक्शन को रख दूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये क्या रहे एक एक्सटेंशन फंक्शन रहे तो मैं उसका क्या करूँगा यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट और उसके बाद से मैं इसको क्या करूँगा हटा दूंगा यहाँ से ओके और जहाँ जहाँ पे भी आ, इन सब को हटा दूंगा मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इसका जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर आ, मैं पास करूंगा या फिर जिस भी स्ट्रिंग के सहारे में इसको कॉल करूंगा उस स्ट्रिंग का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पास करेगा और उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी मतलब कि जो भी वैल्यू पास होगा वो इधर मिल जाएगा सब ठीक है और ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स यहाँ से रिटर्न होगा ठीक है तो ऐसा करते हैं हम तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाऊँगा और चेक लगा दूँगा यहाँ पर इस एम एल स्टेट बट क्योंकि हमने जो है स्ट्रिंग का फंक्शन बनाया है ये क्योंकि ये स्ट्रिंग का फंक्शन है तो उधर से ही कॉल होगा जब भी इसको जब कभी भी आप किसी भी स्ट्रिंग के सहारे इसको कॉल करेंगे तो ये इसके आगे कॉल होगा ठीक है नहीं तो नहीं कॉल होगा तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट तो क्या होगा कि अगर जो है सक्सेसफुल नहीं होगा ना तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टूस जनरेट कराना चाहता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कॉन्टेक्स्ट ले लूँगा तो कॉन्टेक्ट मेरे को कहाँ से मिलेगा लोकल कॉन्टेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा मुझे ठीक है तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेता हूँ लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट तो ये मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल गया यहाँ पे और मैं इसको यहाँ पे पास कर दूंगा पास करने के बाद से यहाँ पे क्या लिखूंगा इन वैलिड ई एड्रेस और मैं क्या करूँगा यहीं से इसको रिटर्न कर दूंगा और उसके बाद से पासवर्ड के लिए भी हम वैसे ही कराते हैं तो मैं इसको कमांड दूंगा राइट बेसिक पासवर्ड वैलिडेशन फंक्शन एक्चुअली extension फंक्शन अभी देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है ओके okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे इसने दे दिया है आउटपुट को इसको मुझे सिंपल से कॉपी करना है कॉपी करके उसके बाद से मुझे यहाँ पे पेस्ट मार देना है सॉरी और ये बहुत कभी कभी inaccurate। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने sorting का वो दे दिया है ठीक है तो ये सब हमको नहीं चाहिए होगा हमको केवल चाहिए होगा ये वाला फंक्शन अभी आप देख सकते हैं कि इसने एक और फंक्शन इसके साथ अटैच किया है इज़ और स्पेशल कैरेक्टर्स और ये फंक्शन इसको मिल नहीं रहा है यहाँ पे ठीक है तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इससे ये वाला फंक्शन जो है जनरेट कराते हैं या फिर हम इसको स्किप भी कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ इसको जनरेट कराता हूँ इसको बोलता हूँ कि गिव ने तो जैसा कि एज एक्सपेक्टेड हमको ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पर मिल गया अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अब इसने नया फंक्शन दिया है यहाँ पे इज स्पेस करके तो मैं इसको भी बोलता हूँ तो अभी इसने ये आंसर किया है हमें कि आई एम नॉट एबल टू आंसर डैट क्वेश्चन ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि फ़िलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे ओके और उसके बाद से चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे तो मैं फिर से लॉग वाले फंक्शन पे आऊँगा और उसके बाद से यहाँ पर नॉट और मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दूँगा इसको फिर से अगर पासवर्ड सही नहीं रहता है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे तो मैं इसको बोल दूंगा इनवैलिड पासवर्ड और यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसको जाने दूंगा और यहाँ पे मैं कमेंट मार देता हूँ इन सक्सेस ओके अब चलिए इसको रन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या आउटपुट आता है तो ई मेल का वैलिडेशन सबसे पहले चेक करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट लिख के उसके बाद से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लिख रहा है इनवैलिड ई मेल ओके और उसके बाद से ये एट द रेट और मैं कुछ भी लिख के डॉट कॉम लिखता हूँ तो देखते हैं अभी कह रहा है इनवेलिड ई मेल अगर मैं इसको देता हूँ जी मेल तो अभी भी ये ईमेल एड्रेस गलत बता रहा है ओके इसने यूज़र नेम पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है ठीक है तो अगर हम ये वाला देते हैं यहाँ पे यूज़र आईडी तो जैसे मान लीजिए कि किडो लिखा तो अब बता रहा है इनवैलिड पासवर्ड मतलब इसने कि इसने क्या किया कि यूज़र नेम पे भी इसने लगा दिया है ओके कोई बात नहीं तो ठीक ही है अगर यूज़र नेम पर भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं या फिर रिडिफाइंड कुछ यूजर नेम है आपके पास या फिर एडमिन का यूज़र नेम है जैसे कि मोस्टली केसेस में होता है फिर ही चलेगी कोई बात नहीं बाकी अब पासवर्ड का टेस्ट करते हैं ठीक है तो पासवर्ड में अगर मैं क्या करता हूँ कि इक्वल स्पेसिंग देता हूँ यहाँ पे तो इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है ये अब यहाँ पे ए एट दी रेट वन टू थ्री फोर लेट्स सी अभी भी ये इनवैलिड बता रहा है अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें डाल रखी हैं यहाँ पे आठ लेटर से कम होगा तो इनवैलिड ही बताएगा ना तो सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट कम्प्लीट करते हैं एट द रेट एक दो तीन चार पाँच छः सात ओके लॉग इन पे क्लिक करते हैं तो अभी भी ये इनवैलिड बता रहा है ओके तो अब क्या करते हैं कि ये ए परफेक्ट तो इसको क्या चाहिए था एक कैपिटल लेटर चाहिए था एक स्मॉल लेटर चाहिए था एक स्पेशल कैरेक्टर और उसके बाद से कुछ नंबर्स टोटल मिला के उसको आठ चाहिए थे और आठ मिले तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया बात करें इसके डाउन साइड की तो सबसे बड़ी जो डाउन साइड इस पर होगी वो ये होगी कि एक डेवलपर सोचना छोड़ दे रहा है अब हम लोग का जो मेन चीज होता है ना वो थिंकिंग से होता है मतलब हम अपने इंटरनली कितनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं वो जो कैपेबिलिटी है अब मोस्टली लोगों में ख़त्म हो जाएगी हम डिपेंड हो जाएंगे एआई पे और क्योंकि एआई हर काम करके दे दे रहा है अगर मान लीजिए कितना भी कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स अगर मान लीजिए आपको एक ए एप्लीकेशन बनाना है ठीक है तो वो ए एप्लीकेशन में जो भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स रहती हैं वो कि ये क्या करेगा पहले इम्प्लीमेंट करके आपको दे देगा दे। आप सोच ही नहीं पाओगे धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी मार्केट से और कल को क्या होगा कि जो भी सीनियर डेवलपर हैं लोग एक ही डेवलपर को रखेंगे और वो सारा काम करके उनको दे, दे देगा पहले से ही ठीक है तो जब कभी भी आपके अंदर वो क्रिएटिविटी अगर खत्म हो जाएगी तो आप कुछ नया इनोवेटिव नहीं कर पाओगे और जब इनोवेटिव नहीं कर पाओगे तो आप सीखोगे नहीं सीखोगे नहीं तो आपका डिमांड ख़त्म हो जाएगा ओके okay? दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप जो गूगल सर्च करते हो गूगल सर्च पे क्योंकि ए जो है केवल हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दे रहा है ओके okay? तो हमें केवल उतने तक नहीं हमें अगर चीज़ें सीखनी भी है तो हमें गूगल सर्च पर वैसे ही रहना होगा जैसे कि हम पहले थे अगर गूगल सर्च पर अगर आप जाते हो तो उसके एडवांटेज ये होते हैं कि आप एक चीज़ के अलावा पांच चीज़ें और भी सीख लेते हो ठीक है पांच और लॉजिक्स होते हैं उसके तो कितने लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ए, ए का सहारा लेके और उसके बाद से उसको करके कंप्लीट करेंगे भाई प्रोजेक्ट जल्दी देना है तो ये चीज तो ये चीज नहीं होगी भाई है ना तो अगर आपको भी अगर मार्केट में रहना है तो ए आई पे कम डिपेंड होना पड़ेगा आप प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक है लेकिन कोई भी चीज अगर आपको मिलती है तो पहले उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करूँ ठीक है कोशिश ही नहीं उसको सॉल्व कर दू बाकी थोड़े बहुत जो एरर्स होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे यहाँ पे तो एक बार पूरा हो जाए ना तो उसके बाद से ए को दो कि अब इससे बेटर मुझे दो ओके तो जब वो उससे बेटर दोगा ना तो आपको क्या होगा कि आपकी जो स्किल्स है वो और डेवलप होगी और इम्प्रूव होगी और उसके बाद से आप नई चीजें भी सीखोगे अगर पूरा का पूरा ए पे डिपेंड हो रहे हो तो फिर घर जाने के लिए तैयारी कर लो भाई आपका कोई भी ज़रूरत नहीं ओके आपसे अच्छे अच्छे डेवलपर हैं और इस समय के टाइम पे ये है कि जैसे सीनियर जूनियर का कुछ सीन रह नहीं गया है ओके एक जूनियर अगर अच्छा खासा उसको आर्किटेक्चर का नॉलेज है तो वो एक सीनियर से दस साल का एक्सपीरियंस बंदा भी वो उसको मात दे सकता है ओके अगर उसको ए का यूज अच्छे से आ गया तो तो ये चीज़ है तो आप बहुत ही ज़्यादा गूगल सर्च करो बहुत ही ज़्यादा अपने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो अपने आप को इन्हेंस करो ठीक है और आज के टाइम पे केवल एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे आपको नहीं रहना है आगे भी बढ़ना है आगे बढ़ के आपको आईओटी पे जाना है आईओटी में एंड्रॉयड में एआई एमएल के बहुत सारी चीजें हैं टेंसर फ्लो सीखना है बहुत सारी चीजें कर रही है ओके तो केवल आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पे हो तो फिर भी आप डेप्रिकेट हो जाओगे साल दो साल के अंदर क्योंकि आने वाले टाइम में एंड्रॉयड स्टूडियो पे अभी तो केवल ये बॉट है बाद में पूरा प्रोजेक्ट ही करके आपको मिल जाएगा ओके तो ऐसी अब ऐसी बहुत सी एआई अभी भी हैं अवेलेबल अभी तो हम एक एक पेज जनरेट करा पा रहे हैं बाद में वो पूरा प्रोजेक्ट बना के दे देगा फिर फिर आपका कोई काम नहीं है जिसको जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट की तो फिर वो आपको नहीं ढूंढेगा तो ये चीज़ अपनी डिमांड क्रिएट करो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो गूगल सर्च करो पांच चीज़ें और नई सीखो एक्सपेरिमेंट करो और आर्किटेक्चर सुधारो और बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है तो ए पे पूरा डिपेंड नहीं होना है ये हम बता दे रहे पहले और और क्या बाकी है? आप खुद ही इतने समझदार हो कि आप चीज़ें समझते हो तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी भी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जैसे कि टेंसर फ्लो आर्किटेक्चर के बारे में सारी चीज़ें चीज़ों पे मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई है ओके तो आप ट्यूटोरियल ढूंढना चाहो तो ट्यूटोरियल आपको इंटरनेट पर बहुत मिलेंगे लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मेरे ही चैनल पर आपको मिलेगा ओके तो आप जाओ उसको सब्सक्राइब करो और वो सारे वीडियोज़ देखो बहुत ज़रूरी है वो